गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव एंड टुडे वी आर विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ एडिटोरियल। जैसा कि सबसे पहला आप देख रहे होंगे, हम लोग के सामने जो चीज़ें होती हैं वो आप जानते हैं क्या होती हैं, कि कोट ऑफ द डे है आपके पास, ठीक है। ये कोट ऑफ द डे आपसे हर रोज़ कुछ कहता है कि हमको ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो पहला जो कोट ऑफ द डे है आपका, ये कोट ऑफ द डे कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। बच्चों ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द यूजुअल, आप रिस्क फॉर भी लिख सकते हैं, कि यदि आप यूजुअल के लिए, यानी जो चीज़ें आपकी प्रतिदिन की हैं, यूजुअल हैं, रोजमर्रा की हैं, यदि उन चीज़ों के लिए यदि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, यानी कोई चीज़ दांव पर नहीं लगा सकते हैं, तो यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी, तो आपको तैयार रहना होगा ऑर्डिनरी प्राप्त करने के लिए, यानी साधारण से भी नीचे की चीज़ें प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमेशा बच्चों, अगर कुछ बेहतर पाना है आपको, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो रिस्क लेने के लिए हमेशा क्या रहें आप, तैयार रहें, क्योंकि सच कहा गया है नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन, यानी यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो जिंदगी में कभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, द मोर रिस्क द मोर पेन, यानी जितना अधिक रिस्क लेंगे आप उतना ही अधिक आपको कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन बिना कष्ट के कभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहें, रिस्क लेने के तैयार रहें, लेकिन उतना ही रिस्क जितना जायज हो, बेवजह चांद तारे तोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये हमारा आज का आपका कोट है आपका। बढ़ते हैं आगे के सेशन पे, जहां हमारे पास वोकैब है। आज हेडलाइंस मैंने मिस किया है, यहां वोकैब आपके पास है। जो पहला वर्ड आप देख रहे होंगे, वर्ड है आपका कंसेंसस, ये है वर्ड आपका कंसेंसस। क्या होता है? अ जनरल एग्रीमेंट, यानी एक आम सहमति, सर्वसहमति होता है ना, इसे जब भी आप किसी के प्रति सर्वसहमति दिखाते हैं, सारे लोग उस चीज पर क्या है, सहमत हैं, वो कंसेंसस होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल पास होना है, ठीक है, तो सरकार जो है, यानी जो सरकार एक तरफ है और एक तरफ जो है विपक्ष है, ये सारे लोग उस बिल पर क्या है बच्चों, अपना कंसेंसस शो कर रहे हैं, अर्थात सर्वसहमति शो कर रहे हैं। तो कंसेंसस मीन्स सर्वसहमति हो जाएगा, ठीक है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जहां पे कंसेंसस नहीं हो पाता, मीन्स सर्वसहमति नहीं हो पाती, अर्थात यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती बच्चों, यूनैनिमिटी, ये वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये वर्ड आपका यूनैनिमिटी नहीं हो पाती है, और यूनैनिमिटी न होने की वजह से हमारी दिक्कतें क्या होती हैं, कि हम कहीं कहीं डिफॉर्मिटी के शिकार हो जाते हैं। तो यूनैनिमिटी मीन्स कंसेंसस। मैं आपको बताता चलूं बच्चों, हम लोग चूंकि प्रयोग कर रहे हैं कुछ चीज़ों का लाइव आने के लिए, तो थोड़ा सा टेक्निकली शायद कुछ चीज़ों को हमको सफ़र करना पड़ेगा, तो कोई बहुत लॉस नहीं रहेगा आपका, क्योंकि मैं भी ये आज चीज़ें थोड़ी चेंज करके ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टेक्निकली कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, फिर भी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चों रेगुलेट, है ना। रेगुलेट क्या होता है? नियंत्रित करना। जैसे रेगुलेटर होता है ना आपका, आप पंखे चलाते हैं, उसका रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर क्या करता है, उसकी स्पीड को रेगुलेट करता है, अर्थात नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे टू ब्रिंग ऑर्डर मेथड आर यूनिफॉर्मिटी टू, एक तरह से नियंत्रित करना, किसी चीज को उसके हिसाब से चलाना, दिस इज रेगुलेट करना। रेगुलेट से ही रेगुलेशंस बने हैं, ठीक है, मीन जो नियम कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, हमको नियंत्रित करने के लिए, हमको बेहतर तरीके से चलाने के लिए उन्हें बनाया गया होता है, इसीलिए वो रेगुलेशंस कहलाते हैं। और रेगुलेटर क्या हो गया बच्चों, जिससे हम नियंत्रित करते हैं, जिन चीजों से हम नियंत्रित करते हैं, रेगुलेटर हो गया। तो रेगुलेट क्या हो गया, नियंत्रित करना, किसी चीज को संचालित करना, कंट्रोल करना कह सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ओवरहेल्म। ओवरहेल्म क्या होते हैं? बहुत बार चीजें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत अधिक हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं, जैसे ही वॉज ओवरहेल्म्ड विद फियर, ठीक है। तो ओवरहेल्म ओवरकम,
ओवरकम बाय फोर्स आर नंबर्स, यानी जब बहुत अधिक संख्या हो जाए या बहुत अधिक फोर्स हो जाए तो आप क्या हो जाते हैं बच्चों, ओवरहैंड हो जाते हैं। मीन्स आप कहीं कहीं चीजों को अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि चीजें बहुत अधिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ओवरहेल्म्ड अभिभूत होने के सेंस में भी ले सकते हैं, जब कोई व्यक्ति इतना अधिक भावुक हो जाए कि वो चीजों पर नियंत्रण न कर पाए, क्योंकि भावनाएं बहुत ज्यादा हो गई तो ओवरहेल्म्ड हो जाता है वो। नेक्स्ट वर्ड बच्चों डिसफंक्शनल। आप इस वर्ड को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये फंक्शन से फंक्शनल बना, फिर उसमें आपके प्रेफिक्स जोड़ा गया डिस जो उसका एंटोनिम हो गया। तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन मींस होता है कोई कार्य करना, यही होता है ना। जब आप कोई कार्य सही तरीके से करते हैं या कोई नियम कानून कोई चीज है अगर वो कार्य सही तरीके से करता है तो वो सही, ये है ना आपका कार्य करना। जब भी आप कोई कार्य सही तरीके से करते हैं आप फंक्शन करते हैं, तो फंक्शनल यानी सही तरीके से कार्य करने वाला। तो डिसफंक्शनल कोई ऐसी चीज जो सही तरीके से कार्य न करता हो, सही तरीके से कार्य न करना, ये आपका डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो डिसफंक्शनल नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी वो चीज जो ठीक से कार्य न कर रहे हो। जैसे आप कोई मशीन ले आए बच्चों, ठीक है, आपने वॉशिंग मशीन या कोई चीज आपने खरीदा घर ले आए इस होप में इस आशा में कि वो अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी, लेकिन वो मशीन क्या हो गई, डिसफंक्शनल हो गई, अर्थात मशीन ठीक से कार्य नहीं कर रही। दिस इज बच्चों डिसफंक्शनल, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं, ये है आपके पास नेक्स्ट वर्ड आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन बच्चों अक्सर क्या होता है, लोग बहुत अधिक स्ट्रेन ले लेते हैं, मीन्स बहुत अधिक तनाव ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक प्रयास करते हैं, मीन्स बहुत अधिक मेहनत करते हैं। तो टू स्ट्रेन मीन्स टू एक्सर्ट, मीन्स क्या करना बच्चों, तनाव लेना, बहुत अधिक प्रयास करना। दिस इज स्ट्रेन। वैसे स्ट्रेन मीन्स मोच भी होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो पैरों वगैरह मोच आ जाती है वो भी स्ट्रेन होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजम्पशन। रिजम्पशन मीन्स एन एक्ट ऑफ रिज्यूमिंग। रिज्यूम बच्चों आप जानते होंगे, ये रिज्यूम है ना, रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है, किसी चीज की दोबारा शुरुआत, यानी कोई चीज आप चला रहे थे आपने रोक दिया फिर से आप उसे शुरू कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हैं बच्चों, रिज्यूम कर रहे हैं। इसी रिज्यूम से क्या बना है, रिजम्पशन अर्थात पुनरारंभ, अर्थात उसका पुनरारंभ, अर्थात जब आप किसी चीज को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो उसका रिजम्पशन नाउन के रूप में होता है और वर्ब के रूप में आपका हो जाएगा रिज्यूम। ये हो जाएगा बच्चों ना रिज्यूम। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ट्रेनें वगैरह इस लॉकडाउन के अंदर अंतर्गत क्या कर दी गई थी बच्चों, पूरी तरह से उनका आवागमन ठप कर दिया गया था, इस लॉकडाउन में उन्हें रोक दिया गया, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उनका रिजम्पशन होगा, यानी ट्रेनों का जो संचालन है उनका जो आवागमन है उन्हें क्या किया जाएगा बच्चों, उन्हें रिज्यूम किया जाएगा, यानी उनका आवागमन फिर से स्टार्ट किया जाएगा, अर्थात उनको रिजम्पशन दिया जाएगा। मीन्स क्या किया जाएगा बच्चों, उनका पुनरारंभ किया जाएगा, फिर से उन्हें आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजॉल्व। रिजॉल्व से ही बच्चों रिजोल्यूशन बना है। रिजोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज का समाधान, तो रिजॉल्व समाधान निकालना, हल करना, यही होता है बच्चों ना। तो टू डील विद, यहां देखिए डील विद का प्रयोग है, टू डील विद सक्सेसफुली, जब आप किसी चीज से सफलतापूर्वक निपट लेते हैं तो आप उसे रिजॉल्व कर लेते हैं, अर्थात उस समस्या का आपने क्या प्राप्त कर लिया बच्चों, समाधान निकाल लिया। यानी जो आपके सामने डिफिकल्टी थी बच्चों, ये जो आपके सामने डिफिकल्टी थी, ये डिफिकल्टी थी, उसका आपने क्या निकाल लिया, समाधान निकाला। अभी मेरी राइटिंग से ठीक से बनेगी नहीं बच्चों, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा सब प्रयोग के दौर में चल रहा है, चीजों को और बेहतर बनाने के लिए इसे थोड़ा सा मैनेज करेगा। तो रिजम्पशन मीन्स हो गया आपका एन एक्ट ऑफ ये, और रिजॉल्व मीन्स हो गया किसी चीज का हल निकालें। जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चों बहुत अधिक समस्याएं हैं, ठीक है, और आप उन समस्याओं को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मीन्स आप क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, उनका
हल निकालना चाहते हैं, उन समस्याओं को आप डील विद बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चों एडहियर टू, देख रहे होंगे एडहियर टू, ये है आपका एडहियर टू। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ वर्ड्स आप अपनी लाइफ में बच्चों याद कर लें। देखें जैसे ये वर्ड है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये वर्ड है कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ विद लगाते हैं और एडहियर के साथ टू लगाते हैं बच्चों। और अगर यहां देख लें आप ऊपर, एबाइड के साथ बाई लगाते हैं और क्या करते हैं बच्चों, होल्ड के साथ टू लगाते हैं। तो हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए बच्चों, आप अगर यहां देखें, होल्ड टू यानी किसी चीज को मानना उसका अनुसरण करना, फिर एबाइड बाई उसे मानना उसका अनुसरण करना, फिर कंप्लाई विद किसी चीज को मानना उसका अनुसरण करना, और क्या हो गया आपका कंप्लाई विद हो गया, होल्ड टू हो गया, और लास्ट आपका यहां पे है एडहियर टू, इसके मीन्स भी फॉलो करना अनुसरण करना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं ये है कि आप याद कर लीजिए, एडहियर के साथ टू लगता है, कंप्लाई के साथ विद लगता है, होल्ड के साथ भी टू लगता है, और अबाइड के साथ क्या लगता है बाई लगता है। ऐसे आपके प्रीपोजिशन, चार ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इन शब्दों के साथ आपके काम आ जाएंगे। तो एडहियर टू होता क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब बच्चों, क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, और चूंकि यह एक फ्रेजल वर्ब है इसीलिए आपके इसका जो अर्थ है वो थोड़ा सा क्या है आपका अलग है, मीन्स ऑफ फॉलो करना अनुसरण करना। ये देखिए बच्चों हटा दे रहा हूं, है ना आपका, ये सब धीरे धीरे सीखने की प्रक्रिया है बच्चों, हर चीज सीखने से आती है। तो एडहियर टू का हो गया बच्चों आपका कि फ्रेजल टू गिव सपोर्ट, यानी जब आप किसी चीज को क्या करते हैं बच्चों, सपोर्ट करते हैं, आर मेंटेन लॉयल्टी, या फिर क्या करते हैं आप उसको फॉलो करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा टू गिव सपोर्ट आर मेंटेन लॉयल्टी, मानना। जैसे कोई नियम है, कोई कानून है, कोई आपका बिलीफ है, विश्वास है, ओपिनियन है, आप उस पर डटे रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आप क्या करते हैं एडहियर टू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक वर्ड्स और है बच्चों, देख ले वर्ड्स जितने भी हैं आपके काम ही आएंगे बच्चों, अगर आप इन पे मेहनत करते हैं तो ये हमेशा आपके लिए बेहतर लेकर आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेक्यूलियर, पेक्यूलियर बच्चों क्या होता है, बहुत बार किसी का जो व्यवहार होता है ना वो पेक्यूलियर होता है। जैसे बहुत सारे लोगों की कुछ एक्टिविटीज आपको देख करके लगती होंगी कि अरे बड़ा अजीब है, विचित्र है, तो क्या है बच्चों पेक्यूलियर। बहुत बार हम गर्दन वगैरह ऐसे हिलाते हैं जिसकी वजह सामने वाले देखते हैं और कहते हैं अरे कैसा व्यवहार कर रहा है, दिस इज पेक्यूलियर, मीन्स डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, जो चीज सामान्य से अलग हो आर नॉर्मल, मीन्स जो सामान्य व्यवहार से अलग है वो क्या है बच्चों, वो पेक्यूलियर है, मीन्स क्या है विचित्र है, वो अजीब है, मीन्स आप कह सकते हैं ना, अगर आप कुछ वर्ड्स याद करें वो चीज क्या है स्ट्रेंज है, या फिर क्या है बच्चों ऑड है, वो है ना विचित्र है, अजीब है। अगर एक वर्ड आपको याद हो क्वियर, मीन्स अजीब है, विचित्र है वो। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लायंस, कंप्लायंस को देखते ही बच्चों आपको अभी मेरा एक दिया गया वर्ड याद आना चाहिए, कौन सा, ये वर्ड बच्चों कंप्लाई विद मैंने लिखा था, अभी लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। कंप्लाई विद मीन्स होता है पालन करना, मानना, तो कंप्लायंस क्या हो जाएगा बच्चों, एक नाउन के रूप में हो जाएगा, और जब आप इसे नाउन के रूप में यूज करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका अनुपालन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर है आपका अनुपालन, मीन्स कंफॉर्मिटी इन फुलफिलिंग ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो आधिकारिक जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, आप उनको अगर कंफर्म करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, यह एक कंप्लायंस है जो कंप्लाई से बना है, मीन्स अनुपालन। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड, जो एक नॉर्मल वर्ड होना चाहिए बच्चों आपके लिए, लेकिन मैंने दिया क्योंकि यहां कुछ बच्चों के लिए शायद प्रॉब्लम्स होंगी इस वर्ड में। परसुएड क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप वो कार्य करें, तो हम प्लीड विद करेंगे, मीन्स क्या करेंगे बच्चों, आपसे प्रार्थना करेंगे कि प्लीज आप एक काम कर दीजिए, तो हम आपको क्या कर रहे हैं बच्चों, परसुएड कर रहे हैं, मना रहे हैं, मीन्स आपको उस कार्य को करने के लिए तैयार रहे, तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा,
अगर हम कार्य को करने के लिए मना रहे हैं तो हम आपको परसुवेड कर रहे हैं, अगर हम कार्य न करने के लिए मना रहे हैं तो हम आपको डिसुवेड कर रहे हैं। DISSUADE हो जाएगा बच्चों। तो डिसुवेड कार्य न करने के लिए मनाना, और परसुवेड क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य करने के लिए मनाना। मीन्स टू मूव बाई आर्ग्यूमेंट टू अ बिलीफ पोजिशन आर कोर्स ऑफ एक्शन, जब किसी विश्वास के लिए, किसी स्थिति के लिए या कोई कार्य करने के लिए आप किसी को क्या करें, अपने तर्क के द्वारा उसे मना लेते हो, तो आप उसे क्या करते हैं बच्चों, परसुवेड करते हैं। ठीक है, लोगों को परसुवेड करना सीखिए, अर्थात लोगों को मनाना सीखिए बच्चों, कोक्ष करना सीखिए। ठीक है, और ये सेकेंड लास्ट वर्ड था आपका पैचवर्क। पैचवर्क क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो एक घपले की तरह हो, उलझन की तरह हो, या अगर शुद्ध भाषा में आप समझें बच्चों तो वो ये हो आपकी, क्या हो, गड़बड़ी हो बच्चों। गड़बड़ी मतलब कोई ऐसी चीज जो सही ना हो, ये आपका पैच वर्क होता है। ठीक है, तो समथिंग कंपोज्ड आप कोई चीज जो कई चीजों से मिलकर हो, जब कई चीजों से मिलकर बनेगी बच्चों आप समझ सकते हैं उसमें गड़बड़ी आ सकती है, दिस इज पैच वर्क। और लास्ट वर्ड भी आप कुछ बच्चे जानते होंगे, एंग्जायटी। एंग्जायटी क्या होती है बच्चों, मेंटली डिस्ट्रेसिंग कंसर्न, यानी एक तरह से मानसिक रूप से जो आपको परेशान करने वाली कंसर्न होती है, चिंता होती है, वो क्या होती है बच्चों, एंग्जाइटी होती है। मीन्स क्या होती है, चिंता, फिक्र। बहुत सारे लोग बच्चों क्या करते हैं, जिंदगी को जीने के लिए उसे दुखों के ऊपर अपने आप को डाल लेते हैं और हमेशा एंग्शस रहते हैं, हमेशा कंसर्न रहते हैं, मीन्स चिंतित रहते हैं, उसी एंग्स से ही एंग्जाइटी है। मीन्स चिंता या किसी चीज की फिक्र अगर होती है तो वो एंग्जाइटी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों ये वर्ड्स जो आज आपने पढ़े हैं मैं जल्दी से नहीं आपको दिखा दूं और फिर हम आते हैं एडिटोरियल पर। ठीक है, चलिए ये वर्ड्स आपके देख लें। पहला वर्ड बच्चों आपने पढ़ा था कंसेंसस, आपको याद हो गया होगा, किसी चीज पर अगर सर्वसहमति है, सभी लोग तैयार हैं, कि यूनैनिमिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, तो वहां पे कंसेंसस है। जैसे सरकार और विपक्ष के बीच में इस मुद्दे पर कंसेंसस है, मींस क्या है बच्चों, सर्वसहमति है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा रेगुलेट। रेगुलेट नियंत्रित करना, संचालित करना। सबसे बड़े एग्जांपल आप रेगुलेटर का ले लेंगे, जो पंखे को नियंत्रित करता है, उसके स्पीड वगैरह को, तो आपको याद हो जाएगा रेगुलेट। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा ओवरहेल्म्ड। ओवरहेल्म जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए, कोई बहुत भावुक हो जाए भावनाओं की वजह से, वो भी ओवरहेल्म्ड होता है, और जब कोई चीज बहुत अधिक हो जाए वो भी ओवरहेल्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल मीन्स जो ठीक से काम न करे, अर्थात ठीक से फंक्शन न करे, वो डिसफंक्शनल। कोई मशीन जो होती है जब ठीक से काम नहीं करती है तो वो डिसफंक्शन करती है, और वो मशीन जो है डिसफंक्शनल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड्स आपने पढ़े थे स्ट्रेन, मीन्स तनाव लेना, बहुत अधिक प्रयास करना। यहां नाउन के रूप में अगर बच्चों मैंने दिया है एन दिया है, तो नाउन के रूप में तनाव हो जाएगा, बहुत अधिक प्रयास किसी चीज का, और वर्ब के रूप में अगर आप लेंगे तब तनाव लेना है, बहुत अधिक प्रयास करना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नियमित रूप से हम लोग सुधार कर रहे हैं, आगे चीजें आप और अच्छी पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी समय की हम लोग दिक्कत हो जाती थी, बहुत ज्यादा सब चीजें पहले मतलब रिकॉर्डिंग करना सारी चीज़ों की, और फिर उनको एडिट करना, फिर अपलोड करना, उसके पहले सारी चीज़ों को बनाना उन सबको, इस वजह से बहुत अभी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा ईज कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, उसे आसान बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे चीज़ें आपको बेहतर ही मिलनी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड बच्चों रिजम्पशन। रिजम्पशन रिज्यूम से बना है, पुनरारंभ, किसी चीज़ को आप फिर से आरंभ कर रहे हैं तो वो एक रिजम्पशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजॉल्व। जब भी कोई समस्या आपकी जिंदगी में हो तो आप हमेशा विश्वास करें कि वो समस्या आप हर हाल में आज नहीं तो कल रिजॉल्व कर लेंगे, मीन्स क्या कर लेंगे, उसका समाधान निकाल लेंगे। नेक्स्ट वर्ड था एडहियर टू। जब आप किसी को मानते हैं, किसी चीज को उसे सपोर्ट देते हैं, अपनी लॉयल्टी शो करते हैं, तो आप अपनी वफादारी दिखाते हैं, उस चीज का पालन करते हैं। ठीक है, तो एडहियर टू पालन करना, मानना। नेक्स्ट वर्ड्स आपने पढ़े थे पेक्यूलियर। इसी वर्ड बच्चों, पेक्यूलियर मीन्स विचित्र, अजीब। जब किसी व्यक्ति की आदत अजीब हो तो आप कहिए वह एक पेक्यूलियर पर्सन है। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लायंस, कंप्लाई करना, अनुपालन करना, मानना, जो सरकारी आदेश वगैरह होते हैं अगर आप उनको मानते हैं तो आप उन्हें कंप्लाई विद करते हैं, नाउन के रूप में कंप्लायंस शो करते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा था परसुवेड, मीन्स मनाना, यानी अगर कोई किसी बिलीफ के लिए, किसी पोजिशन के लिए या कोर्स ऑफ एक्शन के लिए किसी को मना रहा है, तैयार कर रहा है, तो वह उसे परसुवेड कर रहा है, उसे कोक्स कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा पैचवर्क, जो चीजें कई सारी चीजों से मिलकर बनी होती है बच्चों, उनमें कहीं कहीं घपला होता है, उनमें अक्सर उलझन या गड़बड़ी आ जाती, दिस इज पैचवर्क। और लास्ट वर्ड आपने पढ़ा एंग्जाइटी, मीन समझते होंगे चिंता, फिक्र, जैसे मुझे हमेशा चिंता रहती है मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी क्या होते जाए, सफल होते जाए, अपने परिश्रम से आप हमेशा अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते बच्चों, और ये हमारे पास है नेक्स्ट सेगमेंट हमारा एडिटोरियल का। ठीक है, ये द हिंदू का, जैसा कि आप रोज पढ़ते हैं जानते ही आप हैं, तो फिर हम शुरू करते हैं सीधे आज का एडिटोरियल। और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है कंसेंसस, पहला ही वर्ड, यानी आम सहमति, सर्वसहमति, नॉट कन्फ्यूजन, न कि भ्रम। यानी लेखक कहना चाह रहे कंसेंसस होना चाहिए, यानी आम सहमति को बनाए आप, यानी लोगों के बीच में एक ऐसी भावना उत्पन्न करें कि लोग आपसे सहमत हों, नॉट कन्फ्यूजन, न कि एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें भ्रम हो, अफरा तफरी हो, अर्थात लोग समझ न पाए कि क्या हो रहा है। और ये आपका एडिटोरियल है ऑन रिजम्पशन ऑफ रेल सर्विसेज, यानी जो रेल सर्विसेज हैं, ट्रेनों की जो आवाजाही फिर से शुरू हो रही है, उसी पर ये पूरा आपका एडिटोरियल है, यानी ऑन रिजम्पशन ऑफ रेल सर्विसेज, यानी रेल सर्विसेज की, ट्रेनों के आवागमन के पुनरारंभ पर ये एडिटोरियल आपका। ठीक है, यहां पे आपको है रिलीफ ट्रेन्स विल ग्रेटली एड, ये एड यहां क्या है बच्चों, वर्ब हो गई आपकी, तो रिलीफ ट्रेन्स यानी वो ट्रेनें जो लोगों को रिलीफ देने के लिए चलाई जा रही, मीन्स उन्हें क्या देने के लिए चलाई जा रही बच्चों, उन्हें आराम देने के लिए चलाई जा रही। Will greatly क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो विल ग्रेटली एड, एड में जानते होंगे सहायता देना, हेल्प करना, सपोर्ट करना होता है, इसी से फर्स्ट एड बॉक्स बना ना, जब किसी को चोट लग जाए तुरंत आप उसकी सहायता करते हैं, दिस इज एड, जिसकी सहायता की जाती है बच्चों वो एड ही होता है। ठीक है, तो रिलीफ ट्रेन्स यानी जो राहत पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं विल ग्रेटली एड, वो बहुत अधिक मदद करेंगे, किनकी बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, किनकी मदद करेंगे, स्ट्रांडेड पीपल, आपको स्ट्रांडेड तो याद हो गया होगा अपना, स्ट्रांडेड पीपल यानी असहाय लोगों की, फंसे हुए लोगों। अब देखिए अगर आप ध्यान देखेंगे बच्चों ना, ये रिलीफ ट्रेन्स क्या हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट आपका, विल एड क्या हो गया बच्चों, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लिया गया, ग्रेटली यानी बहुत अधिक, और एडवर्ब के रूप में, और ये स्ट्रांडेड पीपल क्या है बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे पता करते हैं आप, क्या और किसे का प्रश्न करिए ऑब्जेक्ट से, सॉरी एक्शन वर्ब से, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो रिलीफ ट्रेन यानी राहत पहुंचाने वाली जो ट्रेनें हैं विल ग्रेटली एड, वो बहुत अधिक मदद देंगे, बहुत अधिक सहायता करेंगे, किनकी, स्ट्रांडेड पीपल, असहाय लोगों की, फंसे हुए लोगों की, बट लेकिन लेख करें, लेकिन स्टेट्स यानी जो राज्य हैं, यानी जो भारतीय राज्य हैं, मस्ट हैव, बच्चों कंफ्यूज नहीं होएगा, जब भी आप मस्ट हैव देखें, जैसे ये आपने देखा मस्ट हैव, तो आप तुरंत समझ जाएं इसके बाद दो कंडीशन होगी बच्चों, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म की, या आपके पास कोई नाउन आ जाए। ठीक है, अब यहां देखें आप, यहां मस्ट हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं आए बच्चों आपके, लेकिन नाउन आ गया, अ कॉमन कोड, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या समझना होगा, यहां हैव बच्चों आपकी मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है यहां पे आपकी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है यहां पे आपकी, प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब है, तो इस हैव मीन्स क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या वगैरह नहीं आएगा, चुका चुकी, इसका मतलब हो जाएगा पास होना, इस सेंस में।
तो बट स्टेट्स मस्ट है, लेकिन राज्यों के पास हर हाल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, अ कॉमन कोड, यानी एक जो सामान्य कायदे कानून होते हैं उनके पास होना चाहिए, यानी सब लोगों पर लागू होने वाले कोड होने चाहिए, कायदे कानून होने चाहिए फॉर हेल्प, क्या करने के लिए बच्चों, उनकी मदद करने के लिए, यानी राज्यों के पास कुछ न कुछ कायदे कानून हो ताकि वो उन स्ट्रांडेड लोगों की क्या कर सके बच्चों, मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। करें द सेंटर्स मूव, याद करें इस सब्जेक्ट है आपका सेंटर्स मूव, मूव मीन्स कदम होता है, यानी एडिटोरियल की भाषा में मूव एक नाउन के रूप में है जिसके मीन्स तुरंत समझ जाए स्टेप कदम। द सेंटर्स मूव यानी राज्य का जो कदम है, कौन सा कदम बच्चों, टू रन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स, क्या चलाने का बच्चों, यानी सेंटर का केंद्र सरकार का जो कदम है टू रन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स कि वो 15 पेयर्स क्या चलाए बच्चों, ट्रेनें चलाए, यानी 15 ट्रेनें चलाए जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए। तो ये जो 15 पेयर्स ट्रेनें चलाने का जो सरकार का कदम है, मूव है बिटवीन, अभी ध्यान रखिएगा बच्चों अभी आपकी वर्ब नहीं आई है, बिटवीन कहां चलाए बच्चों, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मेजर सिटीज, यानी नई दिल्ली, और देखिए यहां बिटवीन का कॉम्बिनेशन बच्चों क्या लिया गया, एंड, है ना, सही है। तो यानी नई दिल्ली और मेजर सिटीज यानी जो मुख्य शहर हैं, बड़े शहर हैं, इनके बीच जो 15 ट्रेनें चलाने का सरकार का कदम है, वो कदम, अब देखिए वर्ब मिल रही बच्चों, वो कदम विल, है ना, विल सर्व एज अ ट्रायल, वो एक परीक्षण का काम करेगी, सर्व एज अ ट्रायल एक परीक्षण की तरह होगी फॉर फर्दर रिलैक्सेशन, किसके लिए बच्चों, आगामी राहतों के लिए ऑफ लॉकडाउन, रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन, जो लॉकडाउन में दी जा सकती उन राहतों के लिए ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस, जो लॉकडाउन, जिस लॉकडाउन में ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी ट्रेवल में कहीं ना कहीं क्या लगाए गए बच्चों, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रोहिबिशंस मीन्स लिमिटेशंस मीन्स प्रतिबंध, ये तीन वर्ड अगर आप चाहें तो तैयार कर ले बच्चों, ये वर्ड है आपका लिमिटेशन और ये कौन सा वर्ड आपका है प्रोहिबिशन और ये आपका है रेस्ट्रिक्शन, ये दिख नहीं रहा होगा मेरे पीछे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन में बोल रहा हूं, इलाइनिंग फिर से देख लें। द सेंटर्स मूव टू रन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स, सेंटर का जो कदम है कौन सा कदम बच्चों, 15 जोड़ी यानी 15 पेयर्स क्या चलाने का, क्या चलाएंगे बच्चों, ट्रेनें चलाने का। ये जो सेंटर का कदम है, ये कदम क्या कर रहा है बच्चों, ये कदम कर रहा है कि नई दिल्ली और जो बड़े बड़े मेजर सिटीज हैं उनके बीच में क्या चलाई जाएं, ट्रेनें चलाई जाएं ताकि उनसे लोगों को क्या प्रदान की जा सकती हो, राहत प्रदान की जा सकती हो ताकि वो आराम से आवाजाही कर सकते हो। ठीक है, तो द सेंटर्स मूव टू रन 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स, यानी सेंटर का जो कदम है 15 पेयर्स और ट्रेनें चलाने का, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मेजर सिटीज, किनके बीच में, नई दिल्ली और उन मेजर सिटीज के बीच में, विल सर्व एज अ ट्रायल, ये निश्चित ही एक ट्रायल की तरह काम करेगा, एक परीक्षण की तरह काम करेगा फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन, इन्हें जो लॉकडाउन के दौरान बच्चों ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगे, प्रतिबंध लगे हैं, इनमें रिलैक्सेशन देने के लिए यानी राहत देने के लिए एक ट्रायल की तरह काम करेगा, एक परीक्षण की तरह काम करेगा, प्रयोग की तरह काम करेगा, क्या ये जो 15 जोड़ी क्या चलाई जा रही है, ट्रेनें चलाई जा रही है, कहां चलाई जा रही है, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मेजर सिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू ट्रेन्स, ये जो नई ट्रेनें होंगी, आर अ लाइफ लाइन फॉर स्ट्रांडेड सिटीजंस, यानी जो नई ट्रेनें चलने जा रही हैं
आर अ लाइफ लाइन, ये क्या है बच्चों, एक लाइफ लाइन है, यानी जीवनदायिनी, जीवन देने वाले हैं फॉर स्ट्रॉन्डेड सिटीजन्स। किन के लिए बच्चों, उन सिटीजन्स के लिए जो असहाय अवस्था में हैं, मीन्स फंसे हुए हैं। आल दो, यद्यपि कि द स्कीम, यद्यपि जो योजना है, हैज बीन, वो योजना जो है, एक मिनट, हाँ, जो योजना है, हैज बीन डिजाइंड, इस योजना को बनाया गया है एज अ लिमिटेड एयर कंडीशनड सर्विस। किनके लिए बच्चों, अभी एयर कंडीशनड सर्विस के लिए, फॉर हायर फेयर पेइंग ट्रेवलर्स। किनके लिए, उन ट्रेवलर्स के लिए जो हायर फेयर ट्रेवलर्स, अर्थात हायर फेयर पेइंग, यानी ऊंचा, यानी अधिक किराया दे सकते हो उन एयर कंडीशनड सर्विस के लिए। अभी ये ट्रेन क्या की जा रही है बच्चों, चलाई जा रही है। मैं जानता हूँ बच्चों थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों को मैनेज करने में मुझे दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें जब अच्छे से मैनेज हो जाएंगी तो आप इसे और बेहतर कर सकते हैं। देखें, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट, यानी थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट, यानी हजारों जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बच्चों, यानी जो हजारों प्रवासी मजदूर हैं, विल कंटिन्यू, वो अभी जारी रखेंगे। क्या बच्चों, टू लुक फॉर, देखते रहना, तलाश करना, खोजते रहना श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स। किनकी तलाश करेंगे, किनकी चाहत रखेंगे वो, उन श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स की, टू गेट होम, कहाँ जाने के लिए बच्चों, घर जाने के लिए। यानी अगर अभी उन श्रमिकों को लगे कि वो अभी उन ट्रेनों से 15 पेयर ऑफ ट्रेन से घर जा सकते हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा कि ये अभी लिमिटेड होंगी। कहाँ तक लिमिटेड होंगी, एयर कंडीशन सर्विस तक। और इसके लिए लोगों को जो जाएंगे उन्हें अच्छा खासा क्या देना होगा, किराया देना होगा, हायर फेयर पेइंग ट्रेवलर्स होंगे, अर्थात ये वो ट्रेवलर्स होंगे इन ट्रेनों में जो अच्छे खासे किराए देंगे ताकि सरकार को इसका फायदा मिले। तो इसका नुकसान क्या है बच्चों, कि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो हजारों प्रवासी मजदूर हैं, विल कंटिन्यू टू लुक फॉर श्रमिक स्पेशल ट्रेन, वो उन श्रमिक स्पेशल, श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन का इंतजार करेंगे, टू गेट होम, कहां पहुंचने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए। ठीक है, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, मैंने बताया था बच्चों बैच में ग्रामर के, कि देयर के साथ हमेशा वही वर्ब आती है जो उसके साथ नाउन होता है। देखिए यहां मल्टीपल चैलेंजेस, ये प्लूरल है ना, तो देयर के साथ क्या लग गया, आर लग गया। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस मीन्स कई सारी क्या है, चुनौतियां हैं, टू किस चीज के प्रति, ऑपरेटिंग ट्रेन्स, इन ट्रेनों के संचालन में, ऑपरेटिंग ट्रेन्स मतलब इन ट्रेनों के संचालन में। अब एक चीज आप ध्यान देखें बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर ये टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी कैसे आ सकती है, आ सकती है बच्चों, जब टू को आप एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो जीरेंड हो जाती है। अगर आपको पता हो, कभी भी अगर आप बी गिवन टू का प्रयोग करते हो, बी डिवोटेड टू का प्रयोग करते हो, बी अडिक्टेड टू का प्रयोग करते हो, बी अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते हो, बी यूज्ड टू का प्रयोग करते हो, बी प्रोन टू का प्रयोग करते हो, बी डेडिकेटेड टू का प्रयोग करते हो, लुक फॉरवर्ड टू का प्रयोग करते हैं, विद अ व्यू टू का प्रयोग करते हो, इनके बाद अगर आप वर्ब लेते हो वो हमेशा आई एन जी में आती है, क्योंकि नाउन हो जाते हैं बच्चों। वैसे यहाँ टू जो है ये क्या है बच्चों, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये ऑपरेटिंग ट्रेन्स, ये क्या है आपका, नाउन, कंपाउंड नाउन की तरह कह सकते हैं आप। फिर देखें बच्चों, करें देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां हैं टू ऑपरेटिंग ट्रेन्स, इन ट्रेनों के संचालन में। व्हेन, जब द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉवेल कोरोना वायरस इज राइजिंग, यहां सब्जेक्ट क्या था बच्चों, ट्रांसमिशन, इसीलिए आपकी देखिए जो वर्ब है वो सिंगुलर है। यानी बहुत सारी चुनौतियां इन ट्रेनों के संचालन में, क्यों, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है जब द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉवेल कोरोना वायरस इज राइजिंग, यानी जब कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है, यानी संक्रमण है, एक दूसरे से जो फैलना है,
इज राइजिंग, वो क्या होता जा रहा है, राइजिंग, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। यानी एक ऐसी अवस्था में जब कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इन ट्रेनों का संचालन जो है, देर आर मल्टीपल चैलेंजेस, उसे कई सारी चुनौतियों का क्या करना होगा बच्चों, सामना करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, करें मेनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्य हैव सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड द अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवलर्स। जब बच्चों कामा कहीं दे दिया जाए या कहीं कंजंक्शन बट हुआ, एंड हुआ, ये सब हुआ दे दिया जाए, तो आप उसके पहले तक का वाक्य हमेशा समझने की कोशिश करें, न कि पूरा एक साथ। तो पहले हम इतना समझते हैं, करें मेनी स्टेट्स यानी बहुत सारे जो राज्य हैं हैव ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड, ये हैव सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड, हैव और रेस्ट्रिक्टेड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई, और सीवियरली क्या है बच्चों आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहां वैसे ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेनी स्टेट्स हैव सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड यानी बहुत सारे राज्यों ने क्या किया है, बड़ी ही कठोरता पूर्वक रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित कर दिया है। किस चीज को प्रतिबंधित कर दिया है, तब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द अराइवल यानी आगमन को प्रतिबंधित कर दिया है। किनके आगमन को, ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवलर्स यानी जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स यानी जो उन राज्यों में आने वाले ट्रेवलर्स हैं, घरेलू यात्री हैं, उनके आगमन को, उनके अराइवल को राज्यों ने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। वो भी कैसे, सीवियरली, बड़ी कठोरता पूर्वक। बट लेकिन देयर अटेम्प्ट्स, लेकिन इन राज्यों के जो प्रयास हैं एट रेगुलेटिंग एंट्री, कि वो एक नियम बनाए यानी नियंत्रित करें एंट्री, किसको बच्चों, एंट्री यानी प्रवेश को, बाय रोड, किस किसके द्वारा प्रवेश को, बाय रोड, सड़क के द्वारा, थ्रू पासेज इशूड, और कैसे सड़क के द्वारा वो प्रवेश करेंगे लोग, पासेज यानी पास बनवा करके, इशूड ऑनलाइन, जो पास कैसे जारी किए गए हैं, ऑनलाइन जारी किए गए हैं, वो उनके अटेम्प्ट, सरकारों के ये जो अटेम्प्ट हैं, यहां देखिए वर्ब बच्चों, हैव बीन ओवरहेल्म्ड, वो प्रयास जो है ओवरहेल्म्ड, बहुत ज्यादा हो चुके हैं, भारी भरकम हो चुके हैं बच्चों, एंड और द पास सिस्टम, जो पास बनाने का सिस्टम है, इज बिकमिंग डिसफंक्शनल। वो क्या हो रहा है, समझ सकते हैं, पास बनाने का सिस्टम जो है डिसफंक्शनल हो रहा है, यानी वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। क्वारंटाइन फैसिलिटीज यानी क्वारंटाइन की जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, क्वारंटाइन समझ रहे हैं ना, अपने को अलग थलग कर लेने की अवस्था, तो जो क्वारंटाइन की फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, हैव कम अंडर स्ट्रेन, वो किसमें आ गई बच्चों, बहुत तनाव में आ गई, यहां नाउन के रूप में मैंने कहा था, बहुत दबाव में आ गई, बहुत तनाव में आ गई हैं, एंड और केसेस ऑफ एक्सपैट्रिएट्स, और जो एक्सपैट्रिएट्स याद करें प्रवासी, जो विदेशी प्रवासी हैं, उनके जो केसेस हैं, उनके जो मामले हैं, टेस्टिंग पॉजिटिव, वो क्या निकल रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी वो कोरोना से संक्रमित निकल रहे हैं, एज जैसा कि इन केरला, जैसा कि केरला में हुआ, और इन चीजों ने हैव एडेड टू देयर वरीज, ये देयर किन के लिए बच्चों, राज्यों के लिए, यानी केरल में क्या हुआ बच्चों, जो प्रवासी थे वो टेस्टेड पॉजिटिव यानी वो पॉजिटिव पाए गए, और इन चीजों ने एडेड टू देयर वरीज, राज्यों की चिंताओं को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, उनको और मुसीबत में डाल दिया है। तेलंगाना राज्य समझते हैं आप, तेलंगाना एंड एट लीस्ट, एट लीस्ट बच्चों कम से कम, लीस्ट बहुत बच्चे आप समझते नहीं कभी, ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये है आपका ना लिटिल, लिटिल इसका कंपेरेटिव क्या होता है, लेस, और इसका सुपरलेटिव क्या होता है बच्चों, लीस्ट। लिटिल क्या होता है, कम मतलब न के बराबर, लेस और कम, और लीस्ट सबसे कम, कम से कम, यही होता है। तो करें एज इन केरला है, वो गया, करें तेलंगाना मीन्स तेलंगाना एंड और एट लीस्ट कम से कम थ्री अदर स्टेट्स, कम से कम तीन अन्य राज्य जो हैं
डू नॉट फेवर रिजम्पशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, यानी वो इससे इसके पक्ष में नहीं है बच्चों कि पैसेंजर ट्रेन्स क्या कर जाएं, रिजम्पशन, इनको फिर से संचालन इनका शुरू किया जाए। यानी तेलंगाना और एटलीस्ट थ्री अदर स्टेट्स, तीन अन्य जो राज्य हैं वो इस फेवर में नहीं है कि इनका संचालन फिर से शुरू किया जाए। कर्नाटक वांश, कर्नाटका क्या चाहता है बच्चों, वांश, कर्नाटक सिंगुलर स्टेट है इस तरीके बच्चों सिंगुलर यूज किया गया। कर्नाटक वांश अ कंपल्सरी 14 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ट्रेवलर्स। कर्नाटक क्या कह रहा है कि अगर ट्रेनें चलाई भी जाए तो 14 दिन कम से कम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उन ट्रेवलर्स को रखा जाए, यानी उन्हें सरकार की देखरेख में जो संस्थाएं चल रही हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं या इस तरीके के जो एकोमोडेशंस हैं, वहां पर उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाए, ऐसा कर्नाटक चाह रहा है। और तेलंगाना और कम से कम तीन और जो राज्य हैं वो क्या चाह रहे हैं कि ट्रेनों का भी संचालन ही शुरू आरंभ न किया जाए। वाइल दिस अंडर स्कोर, दिस यहां बच्चों क्या है, ये दिस यहां सब्जेक्ट है बच्चों, तो अंडर स्कोर क्या है बच्चों, यहां पर ये अंडर स्कोर इसकी वर्ब हो जाएगी आपकी। करे वाइल दिस अंडर स्कोर्स द हाई डिग्री ऑफ कॉशन, यानी एक तरफ ये कहीं कहीं सीमित कर देता है, अंडर स्कोर कर देता है बच्चों, अनदेखा कर देता है, सीमित कर देता है द हाई डिग्री ऑफ कॉशन, किस चीज को, उस सावधानी को जो हाई डिग्री बहुत उच्च स्तर उच्च अवस्था में है, दैट मेनी स्टेट्स वांट टू एडॉप्ट, जो कई सारे राज्य एडॉप्ट करना चाहते हैं, मीन्स क्या करना चाहते हैं बच्चों, अपनाना चाहते हैं, क्या अपनाना चाहते हैं बच्चों, हाई डिग्री ऑफ कॉशन, यानी उच्च लेवल पे वो सावधानियां बरतना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ इट सीवियरली रेस्ट्रिक्ट्स इंटर स्टेट मूवमेंट, लेकिन इससे होगा क्या बच्चों, इट सीवियरली रेस्ट्रिक्ट्स, ये कहीं कहीं बुरी तरह से प्रतिबंधित कर देता है इंटर स्टेट मूवमेंट, अंतर्राज्यीय गतिविधियों को। ये लाइनें फिर से देख लें बच्चों, यहां से देखें, वाइल मीन्स एक तरफ, दिस मीन्स क्या बच्चों, ये जो रिजम्पशन है यानी ट्रेनों का आवागमन है, दिस अंडर स्कोर्स द हाई डिग्री ऑफ कॉशन, इससे होता क्या है, वो जो राज्य है ना, दैट मेनी स्टेट्स वांट टू अडॉप्ट, वो जो राज्य पूरी तरह से बहुत बड़े लेवल पे सावधानियां बरतना चाहते हैं उसको कहीं कहीं सीमित कर देता है, अर्थात जब ट्रेनें चलने लगेंगी कहीं कहीं सावधानियां कम हो जाएंगी। तो दूसरी तरफ क्या ये होगा इससे कि इट सीवियरली रेस्ट्रिक्ट्स इंटर स्टेट मूवमेंट, इससे जो अंतर्राज्यीय गतिविधियां हैं बच्चों वो भी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगे। ठीक है, और देखें आगे, मैं जानता हूं बच्चों दिक्कतें आपकी हैं, बट मैं पढ़ाते समय समझ रहा हूं, फिर भी अभी चूंकि मैंने कहा ये चीजें मैं ऑपरेट करने में चीजों को मैनेज कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लें आप। देखिए बच्चों सेकेंड पैसेज आप सेकेंड लास्ट कह रहे हैं केरला, यानी जो केरल है, मोर रीजनेबली, यानी अगर हम और अधिक तर्क संगत तरीके से देखें तो केरला इज आस्किंग दोज, आस्क मीन्स कहना भी, पूछना भी होता है बच्चों, मांगना भी होता है, आस्क फॉर मीन्स मांगना। तो केरला, पहले आप दो कामा के बीच में मोर रीजनेबली पढ़ दें, यानी अगर हम और तर्क संगत रूप से देखें और सटीक तरीके से देखें तो केरला इज आस्किंग दोज, केरला उन लोगों से कह रहा है, किन लोगों से बच्चों, कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, जो कहां से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से, तो उन लोगों से केरला कह रहा है बाय रोड, और ये लोग कैसे आ रहे हैं बच्चों, दूसरे राज्यों से, बाय रोड यानी सड़क के परिवहन से आ रहे हैं, यानी सड़क के द्वारा जो लोग दूसरे राज्यों से केरल में आ रहे हैं, केरल उनसे कह रहा है विद परमिशन, और ये लोग कैसे आ रहे हैं बच्चों, परमिशन के साथ आ रहे हैं, टू होम क्वारंटाइन देमसेल्व्स, कि वो लोग जो ऐसे आ रहे हैं होम क्वारंटाइन देमसेल्व्स, वो खुद क्या कर लें बच्चों, होम क्वारंटाइन कर लें, यानी खुद वो अपने घर पर अपने आप को अलग थलग रखें, आफ्टर इनिशियली कंसीडरिंग, जबकि वही केरला इनिशियली प्रारंभिक तौर पे कंसीडरिंग, ये विचार कर रहा था इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, कि उन लोगों को भी सरकारी संस्थाओं की मॉनिटरिंग में यानी निगरानी में देखरेख में रखा जाए।
यानी केरल जो है वो लोगों से कह रहा है, किन लोगों से बच्चों, कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स बाय रोड विथ परमिशन, जो अनुमति लेकर के सड़क के द्वारा अन्य राज्यों से केरल में आ रहे हैं। उनसे केरल क्या कह रहा है बच्चों, उनसे केरल कह रहा है टू होम क्वारंटाइन, कि ये लोग क्या कर लें अपने आप को, देमसेल्व्स है ना, ये अपने आप को क्या कर लें, घर में ही अलग थलग क्वारंटाइन कर लें, आफ्टर इनिशियली कंसिडरिंग इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, जबकि शुरू में केरल ने कहा था कि इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग में रखा जाएगा, यानी सरकार की संस्थाओं की देखरेख में रखा जाएगा। द सेंटर हैज लेफ्ट सच डिलेमास, सच डिलेमास मतलब इस प्रकार के असमंजस दुविधाएं। द सेंटर हैज लेफ्ट यानी केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, हैज लेफ्ट सच डिलेमास, इन दुविधाओं को छोड़ दिया है टू बी रिजॉल्व, क्या होने के लिए बच्चों, टू बी रिजॉल्व हल होने के लिए बाय द स्टेट्स, किनके द्वारा, राज्यों के द्वारा, समझ लेंगे पैसिव एश है, यानी एक तरह से केंद्र ने इन दुविधाओं को दरकिनार कर दिया है और कहा है कि ये दुविधाएं, ये जो असमंजस हैं, ये किनके द्वारा हल की जानी चाहिए, किनके द्वारा रिजॉल्व की जानी चाहिए, राज्यों के द्वारा। एंड और द होम मिनिस्ट्रीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विसेज मेयरली ऑर्डर्स, पहले यहां देखें, एंड और द होम मिनिस्ट्रीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, और जो गृह मंत्रालय का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, यानी उन ट्रेनों को संचालित करने का जो प्रोटोकॉल है, यानी जो उनके अपने व्यवस्थित नियम है, व्यवस्था है, फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विसेज, किनके लिए बच्चों, उन राहत देने वाली यानी लोगों को राहत पहुंचाने वाली ट्रेनों के संचालन से संबंधित मेयरली ऑर्डर्स। तो होम मिनिस्ट्री जो है वो केवल ये आदेश दे रही है पैसेंजर्स, किनको, यात्रियों को, टू एडहियर, कि वो माने, टू हेल्थ प्रोटोकॉल्स, स्वास्थ्य से संबंधित नियमों को, प्रिस्क्राइब्ड बाय द डेस्टिनेशन स्टेट, जो उन राज्यों के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं जहां, जिस राज्य में वो डेस्टिनेशन अर्थात वो जा रहे हैं, आर या यूनियन टेरिटरी, या अगर वो किसी केंद्र शासित प्रदेश में जा रहे हैं तो उनके द्वारा जो निर्धारित वो हैं प्रोटोकॉल हैं, उनको उन्हें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, देखें, एज इंडिया मूव्स इनटू द लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, लास्ट वीक समझ रहे हो बच्चों, आज आपकी 13th ऑफ मई है तो निश्चित ही 17 तारीख तक ये लास्ट वीक होगा आपका, क्योंकि जो भारत है, इंडिया, वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है इनटू द लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, यानी जो बढ़ाया हुआ लॉकडाउन है इसके अंतिम सप्ताह में भारत चल रहा है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए जरूरी है टू एग्री ऑन, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हो, एग्री विद, जब आप किसी प्रपोजल से सहमत हो, एग्री टू, ये मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, देखें आप एग्री लेते हैं ना, इसके साथ विद लें, विद कस के साथ लें आप, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हो, और यही एग्री लें, एग्री और टू ले लें बच्चों, कब, जब आप किसी प्रपोजल से सहमत हो, ठीक है, और एग्री क्या ले लें, आन ले लें बच्चों, जब आप किसी सब्जेक्ट से सहमत हो, तो यहां टॉपिक है इसलिए ऑन लिया गया। फिर से देखें, कह रहे एज इंडिया मूव्स इनटू द लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, जब भारत इस एक्सटेंडेड लॉकडाउन के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए जरूरी है टू एग्री, कि वो सहमत हों ऑन अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे, यानी और उच्च नियमों पर आना, कि हाउ टू डील विद, कि कैसे निपटना है ट्रेवलर्स, उन यात्रियों से हुज नंबर्स आर बाउंड टू ग्रो, जिन यात्रियों के नंबर्स, उनकी संख्याएं जो हैं, आर बाउंड हर हाल में टू ग्रो, आगे क्या होनी है, बढ़नी ही है, मीन्स आगे उनकी संख्या बढ़नी ही है, उनसे कैसे निपटना है, इसका उन्हें क्या बनाना चाहिए, एक कोई व्यवस्थित स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना लेना चाहिए। चलिए, ये यहां पे इसी लाइन आप मिलेंगी, देखिए
कह रहे एक्सपीरियंस इन द यूएस यूरोप एंड एशिया शोज, ये शोज किसके लिए बच्चों पता है, एक्सपीरियंस के लिए, प्रोनाउन से पहले आपने सबसे क्लियर। तो जो अनुभव है, कौन सा अनुभव जो हमें यूएस में देखने को मिला, यूरोप में देखने को मिला और एशिया में देखने को मिला, तो यहां से प्राप्त जो अनुभव है शोज वे दिखाता है दैट की विद द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन कर्व्स, कर्व समझते हैं बच्चों ना, प्रतिबंध, लॉकडाउन में जो प्रतिबंध थे उनमें जब वहां पर क्या दिए गए, रिलैक्सेशन, राहत दी गई, छूट दी गई, तो मैंने, तो बहुत सारे लोग जो थे टेंड टू, उन्होंने चाहा, उनकी प्रवृत्ति हो गई क्या, लोअर देयर गार्ड, कि अब वो अपने प्रति बहुत अधिक सजग नहीं रहे। कब, जब वहां पर लॉकडाउन में क्या दे दी गई बच्चों, रिलैक्सेशन, राहत दे दी गई। और ऐसा कहां हुआ बच्चों, यूएस में, यूरोप में और एशिया में। तो ये अनुभव हमें बताता है कि जब लॉकडाउन में छूट दी गई तो वहां के लोग जो थे उन्होंने प्रतिबंधों को ढिलाई पूर्वक लिया, अर्थात उन प्रतिबंधों को, जो राहत दी गई थी प्रतिबंधों में, उसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। इंडियाज पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस, भारत की जो विचित्र परिस्थितियां हैं, अलग परिस्थितियां हैं बच्चों, इंक्लूडिंग, इसमें शामिल हैं क्या, द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, एंड लो कंप्लायंस विद रूल्स, बहुत अच्छी लाइन बच्चों, या बहुत अच्छी, अच्छा फ्रेज है, एंड लो कंप्लायंस विद रूल्स, और यहां यानी भारत में जब लो कंप्लायंस विद रूल्स, यानी नियमों के अनुपालन में लो कंप्लायंस, अर्थात ज्यादातर लोग नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, कहां, भारत में, तो ऐसी स्थिति में बच्चों कुड, वर्ब आ गई आपकी पेक्यूलर सर्कमस्टांसेस, इन सब के लिए कुड इंक्रीज इन्फेक्शंस रैपिडली, तो इससे होगा क्या बच्चों, संक्रमण बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को नहीं मेंटेन करेंगे, एंड लो कंप्लायंस विद रूल्स, और नियमों को मानना तो हमारे लिए बहुत दुरू होता है ना, हम उनका पालन जल्दी नहीं करना चाहते जबकि वो नियम हमारे लिए होते हैं। येट, फिर भी अ सिस्टम, यानी एक ऐसी व्यवस्था फॉर ऑर्डरली मूवमेंट, जो व्यवस्थित मूवमेंट के लिए हो, व्यवस्थित आवाजाही के लिए हो, इज नेसेसरी, वो क्या है बच्चों, जरूरी है, टू रिलीव द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स, ताकि हम सामाजिक और आर्थिक जो प्रेशर्स हैं, दबाव है, इनसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्या मिले बच्चों, रिलीव मीन्स राहत मिले, सिंस द नेशनल लॉकडाउन बिगेन, कब से, जब से ये नेशनल लॉकडाउन, राष्ट्रीय बंदी जो है शुरू हुई, तब से अब हमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ राहत मिले। ट्रेन्स एंड बसेस, जो ट्रेनें हैं, बसें हैं, आर द मोस्ट अफोर्डेबल वेज, ये सबसे बेहतर रास्ते हैं, तरीके हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए स्ट्रांडेड, जो क्या है बच्चों, फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बसें और ट्रेनें बहुत ही अफोर्डेबल वेज हैं, मीन्स उनके लिए सही तरीका हो सकता है टू रिटर्न होम, क्या करने के लिए, घर लौटने के लिए, एंड और सच ट्रेवल, और इस प्रकार की यात्रा कैन बी फैसिलिटेटेड, क्या की जा सकती है, आपने पढ़ा था ना फैसिलिटेटेड, कैन बी फैसिलिटेटेड, और अधिक आसान बनाई जा सकती है विद अ सेफ्टी प्रोटोकॉल इन प्लेस, कि जो यात्री जा रहे हो, सेफ्टी प्रोटोकॉल यानी कि सुरक्षा के कुछ नियम क्या कर दिए जाएं, बना दिए जाएं, इस तरीके से उनके लिए वो बसें और ट्रेनें मोस्ट अफोर्डेबल वेज हो। फिजिकल डिस्टेंसिंग, कौन सी चीजें बच्चों उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल में हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो यानी वो लोगों से दूरी बना के रहें, यूज ऑफ मास्क यानी मास्क पहने, एंड हैंड वॉशिंग, और क्या करते रहें बच्चों, हाथों की नियमित सफाई करते रहें, तो ट्रेनों और बसों से अगर वो आए तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कराया जाए। अरे लास्ट आपका पैसेज है बच्चों, सिटीजन्स यानी जो नागरिक हैं,
कैन बी परसुएडेड, पैसिव है ना, कैन बी परसुएडेड, उन्हें मनाया जा सकता है, वो मनाएंगे नहीं बच्चों, उन्हें मनाया जा सकता है टू कंप्लाई विद, याद कर लेंगे बच्चों काम आएगा, टू कंप्लाई विद कि वो माने अनुपालन करें दिस, इस चीज का, किस चीज का बच्चों, वो जो उनके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बने, अर्थात जब वो बसों और ट्रेनों में यात्रा करें तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, ऑर्डरली प्रोटोकॉल हो, जिसमें उन्हें बताया जाए कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो मास्क लगाएं और हैंड वॉशिंग करें, तो सिटीजंस कैन बी परसुएडेड, यानी उन्हें मनाया जा सकता है टू कंप्लाई विद दिस, इन चीजों का पालन करने के लिए, कब बच्चों, इफ, यदि गवर्नमेंट्स, यदि जो सरकारें हैं, यदि जो सरकारें हैं हैव क्लैरिटी, वो बिल्कुल अस्पष्ट रूप से क्या करें बच्चों, वो बिल्कुल अस्पष्ट हो ऑन हाउ कि कैसे दे विल फैसिलिटेट, वो आसान बनाएंगे ट्रेन एंड रोड ट्रेवल, ट्रेन और रोड ट्रेवल, यानी नागरिकों को मनाया जा सकता है कि वो इन चीजों का पालन करें, यदि सरकारें जो हैं हैव क्लैरिटी, उनके पास एक स्पष्ट रास्ता हो कि ऑन हाउ दे विल फैसिलिटेट ट्रेन एंड रोड ट्रेवल, कि वो ट्रेन और रोड ट्रेवल को कैसे आसान बना सकते हैं। एट द डेस्टिनेशन, यानी एट द डेस्टिनेशन, उनके गंतव्य स्थान पर, अनलेस मेडिकली वारंटेड, जब तक कि वहां पर मेडिकली वारंटेड यानी मेडिकल चीजों की वहां प्रॉपर सुविधा न हो, तो तब तक पैसेंजर्स कैन सेल्फ क्वारंटाइन एट होम, तब तक वो जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, वो अपने घर पे ही अपने आप को क्वारंटाइन में रखे, कहां, जब तक उन्हें कोई मेडिकल सुविधा न मिल जाए। दिस इज समथिंग, ये कुछ ऐसा है दैट जो द सेंटर हैज प्रिस्क्राइब्ड, जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, इवन फॉर वेरी माइल्ड, उन लोगों के लिए भी जो बहुत हल्के प्री सिम्टोमैटिक, अर्थात जिनके अंदर अभी शुरुआती लक्षण हैं पेशेंट्स, यानी ये उन पेशेंट्स के लिए भी बच्चों जो बिल्कुल हल्के और शुरुआती लक्षण से ग्रस्त हैं, उनके लिए क्या है, अगर उनको मेडिकल सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो वो घर पे ही सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाएं, कौन, वो जो यात्री हैं बसों और ट्रेनों से अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। अब पैच वर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी ये जो नियम है, जो कायदे कानून है, यदि इनमें पैच वर्क होता है, यानी यदि इनमें गड़बड़ी होती है एमंग स्टेट्स, इनके बीच, राज्यों के बीच, तो विल वनली कंफ्यूज ट्रेवलर्स, तो ये पैच वर्क, ये घपला, ये गड़बड़ी उन ट्रेवलर्स को क्या करेगी बच्चों, कंफ्यूज ही करेगी एंड और जनरेट नीडलेस एंग्जाइटी, और इसकी वजह से होगा क्या बच्चों, नीडलेस एंग्जाइटी जनरेट होगी, यानी बेवजह की चिंता जनरेट क्या होगी, उत्पन्न होगी, आप जानते होंगे इसी जनरेट से बच्चों क्या बना है, जनरेटर, याद करें, जो बिजली उत्पन्न करता है, पैदा करता है, ठीक है। चलिए लास्ट सेगमेंट हमारा, आप जानते हैं जो वर्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों आपने इसमें क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये कम मायने रखेगा, लेकिन आपने जो वर्ड्स पढ़े उन वर्ड्स में आपने कितने तैयार कर लिए ये मायने रखेगा, तो ये सारे वर्ड्स आपके सामने हैं, जल्दी देख लें। तो पहला जो वर्ड है बच्चों वो है आपका कंसेंसस, है ना, ये स्पेलिंग गलत है बच्चों, यहाँ पे कंसेंसस मेरा सेंस था, आप ये मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, यहां ऊपर देख लें, ये आपका कंसेंसस, एक मिनट बच्चों, ये है कंसेंसस, ये है CONSENSUS, कंसेंसस, कंसेंसस मीन्स क्या होता है बच्चों, आम सहमति। स्ट्रॉन्डेड याद हो गया बच्चों आपको, स्ट्रॉन्डेड फंसे हुए लोग, असहाय लोग जो दूसरे राज्यों थे वो स्ट्रॉन्डेड थे। मूव यहां एडिटोरियल के हिसाब से क्या, कदम, कोई स्टेप आपका। रिलैक्सेशन छूट राहत, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, ठीक। लाइफलाइन, जो चीज आपके लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है वो एक लाइफलाइन होती है। माइग्रेंट प्रवासी, ट्रांसमिशन एक से दूसरे में जो संक्रमण फैलने की प्रक्रिया होती है वो ट्रांसमिशन होता है। सीवियरली कठोरता पूर्वक, रेगुलेट नियंत्रित करना संचालित करना। ओवर हेल्मड भावुक या अभिभूत के सेंस में भी और बहुत ज्यादा के सेंस में भी आप यूज करते हैं।
डिसफंक्शनल कोई ऐसी चीज जो ठीक से काम न कर रही हो वो डिसफंक्शनल है। क्वारंटाइन याद होगा, जब आपके अंदर कहीं ना कहीं लक्षण ऐसे लोगों के संपर्क में आप रहे हो जो लोग संक्रमित थे लेकिन आपके अंदर भी लक्षण नहीं दिख रहे तो आप क्वारंटाइन में रखते हैं अपने आप को। स्ट्रेन दबाव तनाव। एक्सपैट्रिएट्स प्रवासी जो विदेश से मतलब आपका देश छोड़कर विदेशों में जाकर काम करने के लिए तलाश में जाते हैं रोजगार के वो एक्सपैट्रिएट्स होते हैं। रिजम्पशन किसी चीज की पुनः शुरुआत रिज्यूम करना। अंडर स्कोर किसी चीज को कम करके आंकना। कॉशन सावधानी चेतावनी। डिलेमा बढ़िया वर्ड है स्पेलिंग के लिहाज से मीन्स असमंजस दुविधा। रिजॉल्व हल कर लेना समाधान निकाल लेना। दो बार रिजॉल्व हो गया कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोकॉल एक सुनिश्चित व्यवस्था उन नियमों की जो नॉर्मली दो सरकारों के बीच में होते हैं वो प्रोटोकॉल होते हैं। एडहियर टू पालन करना मानना। डेस्टिनेशन लक्ष्य गंतव्य स्थान। कर्ब यहां पर प्रतिबंध और वर्ग के रूप में प्रतिबंधित करना लगाम लगाना। पेक्यूलियर स्ट्रेंज विचित्र अजीब। सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां। कंप्लायंस अनुपालन। ऑर्डरली व्यवस्थित तरीके से मतलब यहां व्यवस्थित कहिएगा बच्चों। अफोर्डेबल जो आप वहन कर सकते हैं जो आपके जो आप सहन कर सकते हैं वहन कर सकते हैं जैसे आप हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं यानी उसका वहन कर सकते हैं। फैसिलिटेट याद हो गया होगा कल भी आपने पढ़ा था सुगम बना देना मेक इजियर आसान बना देना। परसुएड जब आप अपने किसी बिलीफ किसी ओपिनियन कंडीशन से किसी को तैयार करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे परसुएड करते हैं। कंप्लाई विद पालन करना। प्री सिम्टोमैटिक शुरुआती लक्षण वाले जो होते हैं वो प्री सिम्टोमैटिक होते हैं। पैचवर्क एक में रहेगा ये पैचवर्क कोई घपला कोई गड़बड़ी कोई वट उलझन। जनरेट उत्पन्न करना और एंग्जाइटी मीन्स चिंता फिक्र। मैं जानता हूं बच्चों पढ़ते समय आपको थोड़ी दिक्कतें आ जाई होंगी बट ये चीजें प्रयास हैं बच्चों हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे आगे ये चीजें जैसे जैसे दुरुस्त होंगी आपको और अधिक सुविधाओं से नवाजा जाएगा। ठीक है तब तक के लिए मैं चाहूंगा आप मुझे विदा दें और मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।